छुट्टी खत्म हो गई ऑलमोस्ट एक हफ्ते की। नाउ गुड आफ्टरनून फ्रॉम जयपुर। अभी हम फिलहाल जयपुर अजमेर हाईवे पे हैं। नाउ इट्स 2:00 इन आफ्टरनून। हम जयपुर से नहीं निकले, हम मॉर्निंग में ही निकल चुके थे। वी वर इन हरियाणा मॉर्निंग में अराउंड 9:30 वी हैव स्टार्टेड। थोड़ा बहुत रास्ते में रुक के शॉपिंग वॉपिंग करके खावा के आराम आराम से आ रहे हैं ऑन स्पीड ऑफ 80। अभी जस्ट हमने जयपुर बाईपास क्रॉस किया है एंड ये फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से देयर इज अ ट्रैफिक। आज हम जर्नी करने वाले हैं टिल उदयपुर। सेम वही रूट रखेंगे जो हमने लास्ट व्लॉग में रखा था, जिस रूट से हम आए थे उसी रूट से हम वापस जाने वाले हैं। इस बार वी विल ट्राई, अभी तो मैंने मैप लगाया है टू चित्तौड़, तो चित्तौड़ इट इज शोइंग 302 किलोमीटर्स। इवनिंग में 7:06 पहुंचने का टाइम है, बट हम इसको थोड़ा कम करेंगे एंड उदयपुर हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, सो दैट आज थोड़ा बहुत वी कैन हैव अ डिनर क्यूजीन इन उदयपुर। और मौका लगा तो फतेह सागर लेक ज़रूर जाएंगे। उदयपुर आए तो एक बार तो जाना बनता है वहाँ पर एक बार। तो दिस विल बी द प्लान फॉर टुडे। अभी आपको आगे रोड की अपडेट्स देते हैं। धूप काफ़ी हो रही है, करेंटली आउटसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। धूप बहुत है इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि गॉगल्स पहन के चलाना बहुत पड़ रहा है इसको। बाकी कल का फिर हमारा रूट फ्रॉम उदयपुर टिल मुंबई वही सेम रहने वाला है वाया अहमदाबाद। हम लोग वाया मुदासा गोधरा होके नहीं जाने वाले बिकॉज वो काफ़ी स्मूथ हाईवे है, 6 लेन है, टेंशन नहीं है कोई। चलिए आपको एक एग्जिट टाइम लैप्स दिखाते हैं ऑफ जयपुर अजमेर हाईवे। चित्तौड़ तक कई मैप लगाया हुआ है बिकॉज अगर उदयपुर लगाता हूँ तो रूट डाइवर्ट करके दिखाता है, तो इसीलिए अभी चित्तौड़ इज 214 किलोमीटर्स मोर फ्रॉम हियर। 7:00 पे दिखा रहा है पहुँचने का, बट आई स्टिल ट्राई टू कवर इट अप। और अब थोड़ा कम स्टॉप लेंगे ऑन दिस हाईवे सो दैट एक कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन हो पाए। तो अगर मैं सिर्फ जयपुर से अगर बात करूं तो फ्रॉम बाईपास अभी तक हम 100 किलोमीटर्स चल चुके हैं। 1 hour 40 minutes लिया है हमने विद वन ब्रेक और 60 किलोमीटर्स पर आवर की वी हैव एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड काफ़ी अच्छी थी, रोड्स वर गुड, डाइवर्जन था थोड़ा सा बट ठीक था, ऐसा कुछ ट्रैफिक नहीं था। मौसम काफ़ी सही है, बादल हो रहे हैं तो अभी थोड़ा गाड़ी चलाने में अच्छा लग रहा है।
बाकी आई एम ट्राइंग कि अब चित्तौड़ से उदयपुर का यू नो जीपीएस पे दिखाता है अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा हो जाता है तो वी विल गो इनसाइड उदयपुर थोड़ा सा। सो चित्तौड़ से उदयपुर द डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट टाइम जितना लगता है इट इज़ अराउंड 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। कोशिश यही रहेगी कि अभी नॉन स्टॉप चलें तो थोड़ा सा टाइम कवर हो जाए एंड हम थोड़ा जल्दी पहुँचें ताकि व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर फतेह टू विजिट फतेह सागर लेक वो हो जाए। अब इतना दूर आए बार बार आया जाता नहीं है तो एक बार विजिट करना बनता है। बाकी आपको सामने का व्यू दिख रहा होगा काफी सही है। अरावली रेंजेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मौसम भी सही है, इट्स करेंटली 24-25 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, रोड स्मूथ हैं, आराम से चल रहे हैं, घर जाने का मन नहीं कर रहा बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ फन और अब वापस जाना पड़ रहा है। तो एनर्जी ऑफिस से बात है, एनर्जी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है, बट वर्क इज वर्क, जाना ही पड़ेगा। एंड अगर आप मेरे से फिर भी आप पूछते हैं कि व्हाट विल बी दी बेस्ट रूट टू गो गुजरात या मुंबई, तो अभी इस टाइम तक के लिए दिस इज दी बेस्ट हाईवे बिकॉज आप आबू रोड पालनपुर होके भी जा सकते हो बट पालनपुर से अहमदाबाद में यू विल गेट अ हैवी ट्रैफिक और काफ़ी अहमदाबाद आपको क्रॉस करना पड़ता है रिंग रोड पे, तो आपको ट्रैफिक अच्छा खासा मिलता है। इसलिए ये अभी तक फिलहाल एज पर माई एक्सपीरियंस लास्ट टाइम जब अभी मैं वापस जब गया हूँ तब का एंड अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ मुंबई, तो आई विल गिव यू आपको अपडेट्स देता रहूँगा कैसा है कैसा नहीं है। बाकी रोड कंडीशंस तो आप देख ही रहे हो, इट इज़ वेरी स्मूथ, 100 की स्पीड लिमिट है एंड यस सिंस इट इज़ डे टाइम तो इंटरसेप्टर थे हमको रास्ते में, टोटल 3 इंटरसेप्टर मिले हैं, एक तो हमें मिला था बिफोर जयपुर एंड 2 हमको ऑन जयपुर अजमेर हाईवे पे मिल चुके हैं बट वी वर ऑन 80-90 तो चलान कटने का डर नहीं है। अभी इसका पता नहीं मेरे को यहाँ पे कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, आई अपडेट यू जहाँ पे भी जिधर भी आई रीच आई लेट यू नो। बाकी देखते हैं ये वाला व्लॉग 2 पार्ट में रहेगा या 1 पार्ट में रहेगा, तो दैट वी विल डिसाइड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्रॉम मुंबई टू जयपुर आपको काफ़ी अपडेट्स दे ही दिया था उसमें अबाउट दिस हाईवे दिस रूट, इसमें और कुछ अगर ऐसा मिलता है तो आई लेट यू नो, बाकी रोड कंडीशंस मैं आपको दिखाता रहूँगा। चलो कैच यू जहाँ पे भी मैं पहुँचता हूँ, लेट मी भीलवाड़ा। रात में ज़्यादा मैंने कल शूट किया नहीं, एज मैंने आपको ऑलरेडी रास्ता दिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखा तो आप जाके वो देख सकते हो। रास्ता रोड वॉज वेरी 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 स्मूथ, आपको मैं फिर भी अभी रिकमेंड यू कि अगर आप उदयपुर से यू गोइंग टू जयपुर तो आप वही रास्ता लो, ऑप्ट दैट वे, बहुत अच्छा रास्ता है, स्पीड अच्छी मेंटेन होती है, डिस्टेंस जल्दी कवर होते हैं।
हम उदयपुर में वी हैव स्टेड यहाँ पे इधर द पार्क क्लासिक. इट वॉज डिसेंट एंड कम्फर्टेबल स्टे. और यहाँ से फतेह सागर लेक इज क्लोज टू 4 kilometers एंड लेक पिचोला इज अराउंड 3 kilometers. तो और ये थोड़ा सा मेन रोड से थोड़ा सा ही अंदर है, जस्ट एक पतली सी गली है, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं है इधर आने में. एंड हमने ब्रेकफास्ट ऑप्ट किया था विद रूम, तो इट वॉज गुड. ब्रेकफास्ट वॉज ऑल्सो डिसेंट, खा सकते हो. अभी हम चलेंगे, मैप हमने अभी लगाया है टिल आर लोकेशन नवी मुंबई. तो इट इज शोइंग 788 किलोमीटर एंड 15 आवर्स ऑफ जर्नी. देखते हैं, इतना तो नहीं लगेगा, उससे ज्यादा ही लगने वाला है हमें, बिकॉज वी विल टेक दी स्टॉप्स, मल्टीपल स्टॉप्स, एज ए आज का दिन काफी थोड़ा लंबा रहने वाला है. ऑल्दो वी आर स्टार्टिंग एट 9:15 बिकॉज नींद ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो हमने फुल नींद ले ली है एंड वी आर गुड टू गो. चलो लेट्स टेक द एग्जिट फ्रॉम उदयपुर एंड आपको फिर मैं मिलता हूँ ऑन हाईवे एंड आपको दिखाता हूँ कि हमारी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, तो गुजरात बॉर्डर पे चेकिंग होती है नहीं होती है, आई अपडेट यू. चलो स्टे ट्यून्ड. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पहाड़ के ऊपर वो फोर्ट टाइप का, मतलब फोर्ट टाइप है, फोर्ट ही है, कौन सा फोर्ट है मेरे को पता नहीं है, इधर में कुछ लिखा नहीं है ऐसा कौन सा ये गुलाब बाग है शायद ये, यस. एंड इस गुलाब बाग के मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा जूम करके दिखाओ आपको. गुलाब बाग के आगे आपको वो दिखेगा, मतलब नेक्स्ट साइड में लेक है जहाँ पे जल मंदिर और आई गेस लेक पिचोला है इसके नेक्स्ट साइड. काफी अच्छा दिख रहा है. उदयपुर आओगे आपको ये सारी चीजें आपको मोस्ट सीनिक ब्यूटीफुल प्लेस. और अब हम ये NH 48 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे कनेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स उदयपुर मुंबई. और धूप काफी तेज धूप है. ऑल्दो द टेम्परेचर इज 19 डिग्री आउटसाइड बट धूप बहुत ज्यादा तेज है. तो विदाउट शेड्स इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव. आपको बाहर दिख रहा है ना तो आपके आई लेंसेस वैसे सेटअप हो जा रहे हैं, फिर अंदर देखना देखते तो अंधेरा सा लगता है. तो बहुत तेज धूप है, जहाँ पे भी स्किन पे धूप पड़ रही है तो इससे जलन सी हो रही है काफी. मतलब आपको ये आस पास के नज़ारे और तो ये ब्राउन सब दिख रहे हैं, बट ट्रस्ट मी मॉनसून के टाइम पे ये जगह बहुत खूबसूरत होती होगी, बहुत खूबसूरत. सामने वैन जा रही है, भाई एक अपना बैठा हुआ है जो सनरूफ के फुल मजे ले रहा है ऊपर बैठ के. अभी ऐसे ही चलना है, लॉन्ग वे टू गो, 770 किलोमीटर्स. Time showing is at night 12:15 AM. But इस
ज़्यादा लगता है। अहमदाबाद इज 242 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ऑलमोस्ट हाफ टैंक है डीजल का। अपने डीजल फुल करवाया था इन हरियाणा, तो अभी तक चल रहा है। डीजल फुल करवाने के बाद में ऑलमोस्ट वी हैव ड्रोव अराउंड 650 किलोमीटर्स। सही है, अच्छा है, एवरेज इज गुड। 25 का एवरेज मिला है थ्रू आउट दी जर्नी। अभी भी डे शाइन 25.1 किलोमीटर पर आर। देख लो विद प्रूफ। अलो, हमने इतना स्पीड चलाया नहीं, वी वर जस्ट मैक्स एट 100 kmph, उससे ज़्यादा ऊपर मैं गया नहीं। बहुत आराम से चला रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं इतना ऐसा कोई स्टॉप लूँगा नहीं। अगर लेना हुआ तो भी अभी तो आई ड्राइव 2 hours कॉन्स्टेंटली। चलो, इन बेहतरीन नज़ारे के साथ में आपको ज़रा इधर का टाइम लैप्स दिखाते हैं। एंड रोड्स आर चुमेश्वरी। हमने राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर लिया है एंड शायद गुजरात बॉर्डर के अंदर भी हम एंटर कर चुके हैं, बट अभी तक चेकिंग आई नहीं है। मे बी वो शायद आगे आएगी, आई थिंक आगे ही होगा, बिकॉज यहाँ तो कुछ चेकिंग हुआ नहीं। अगर ऐसा हो नहीं सकता कि चेकिंग होगा नहीं गुजरात में, वो होगा तो सही पक्का है। लास्ट टाइम जब मैं 2 साल पहले जब मैं आया था, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, बट उस टाइम पे मैं इस रास्ते से नहीं गया था। उस टाइम पे मैं वाया पाली एंड अबू रोड पालनपुर होते हुए आया था। उधर बॉर्डर पे भी कुछ चेकिंग हुआ नहीं था, बट व्हेन आई एंटर्ड इन अहमदाबाद के रिंग रोड से पहले देर वॉज चेकिंग। वहाँ पे भी गाड़ी रोकी गई थी मेरी एंड वहाँ पे पूरा चेक हुआ, गाड़ी सारा सामान चेक हुआ। पुलिस वाले ने पूछा कि वो चेकी से अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल है कि नहीं है बता दो, पहले ही बता दो। मैं बोला भाई नहीं है, मतलब मैं मुंबई ट्रैवल कर रहा था। मैंने उनको बोला कि पहले नहीं है, मैं मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं कि वहाँ पे फॉर्चुनेटली दारू अगर मैं पीता हूँ तो वहाँ पर बैन नहीं है, ये इशू सिर्फ आपके गुजरात में ही है। मैं कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरे पास में नहीं है, आप चेक कर लो, मेरे को कोई इशू नहीं है। यार इन्हें बहुत चेक करने की कोशिश की, डैशबोर्ड सीट के नीचे अंदर, एट द एंड उसको कुछ मिला नहीं, हम निकल गए। वैसा ही कुछ आज भी होगा।
बार चेक होता है तो वो पछताएगा। पहली बात तो पहले उसको समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज आप बैक सीट देख सकते हो पूरी भरी हुई है ऊपर से नीचे तक। फिर वो डिक्की अगर ओपन करेगा तो वो यही सोचता रहेगा कि शुरू कहाँ से करूँ, इधर से शुरू करूँ या पीछे से शुरू करूँ। तो देखते हैं अभी आगे जाते हैं, कहीं चेकिंग होती है तो आपको बताऊंगा। वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग अलाउड होगा नहीं, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है गुजरात पुलिस के साथ में और वो कहाँ से शुरुआत करते हैं, दैट आई विल लेट यू नो। और होता है नहीं होता है आपको मैं बता दूंगा। टिल्लाओ अभी तक हम काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, रोड्स आर लिटरली वेरी नाइस रोड्स और बहुत ही सीनिक है। मस्त है कि उदयपुर आप एंटर कर रहे हो या एग्जिट करोगे पर मॉनसून के टाइम पे ये प्लेस कोई जन्नत से कम नहीं है। इवन आप अगर शायद बॉर्डर आ गई, यहाँ पे चेकिंग है, इधर शायद चेकिंग है, नहीं नहीं हाँ। सो कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक, आप मुंबई से मे बी आप पुणे के लिए जाओ तो आपको लोनावला वाला स्पेस आपको मिलता है विच इज वेरी सीनिक, या फिर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाते हो या आपको बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको सिर्फ थोड़े थोड़े से टाइम के लिए ड्यूरेशन के लिए आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आई मीन दिस अरावली रेंजेस ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, और मॉनसून के टाइम पे तो जस्ट लुकिंग लाइक अ फार्म। चलो अभी हम गुजरात आगे एक और शायद चेक पोस्ट आएगा, वो आता है आपको हम बताते हैं हमारी गाड़ी रोकी जाती है नहीं रोकी जाती। सो अभी अहमदाबाद हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अहमदाबाद के रिंग रोड पे आ गए हैं एंड अभी यहाँ से मुंबई डिच नहीं टू आर बिल्डिंग इट इज शोइंग 549 किलोमीटर्स और थोड़ा सा टाइम कम हुआ है। अब 11:46 पे डिच कहेंगे हम पहुंच जाएंगे क्योंकि हमने और थोड़ा कम कर दिया था बट वी टुक वन ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, थोड़ा सा ग्लास क्लीन किया एंड यस द अपडेट इज कि अभी तक हमारी चेकिंग का कुछ हुआ नहीं है बट आई गेस इस रिंग रोड पे हो सकता है, नॉट श्योर बट हो सकता है क्योंकि मेरा भी एज आई सेड अर्लियर कि जब मैं आया था लास्ट टाइम तो मेरा इसी रास्ते पे ही चेकिंग हुई थी, अभी तक हुई नहीं। अगर होती है तो पहले अपडेट ही हो, नहीं हुई तो फिर सीधा मतलब थोड़ी सी थोड़ी देर में एक्सप्रेस वे विल कम एंड अगर मैं रास्ते की बात करूं तो आई वुड से कि काफ़ी स्मूथ रास्ते हैं। इवन अब आपको पहले जहाँ पे गूगल मैप ये शो करता था वाया वडोदरा एंड गोधरा होके मदासा होके वो रूट अब गूगल मैप भी नहीं शो करता, डायरेक्टली इट इज शोइंग फ्रॉम अहमदाबाद। तो वो सीन है, तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, यू कैन मेंटेन अ वेरी 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 गुड स्पीड ऑफ 100 km/h एंड यस हमें इंटरसेप्टर्स मिले इन गुजरात ऑल्सो नियर बिफोर हिम्मत नगर, तो वहाँ पर था तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो वी हैव क्रॉस्ड अहमदाबाद रिंग रोड एंड अब हम एंटर कर रहे हैं तो
हमारी नहीं हुई बट हाँ वहाँ पे कुछ गाड़ी कुछ व्हीकल्स को रोका गया था मैन पावर ही उतना था तो उतना गाड़ी रोक रखा था उन्होंने ज्यादा मैन पावर नहीं था स्टार्टिंग फ्रॉम नवी मुंबई और अभी तक वी हैव डन 3115 किलोमीटर्स मोर 531 किलोमीटर्स टू गो टाइम 10:30 घंटा दिखा रहा है आई डोंट नो कब हम पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे बट यस वी विल टेक वेरी मिनिमल स्टॉप्स सो Folks, we have completed this expressway, Ahmedabad Vadodara expressway. और हम वडोदरा वाले टोल पर आ चुके हैं. We just took around 50 minutes without any overspeeding. Only 100. और बेहतरीन रोड है, बेहतरीन. Now, यहाँ पे आ गए हम इधर से वडोदरा इज हार्डली 6 or 7 किलोमीटर्स बहुत कंफर्टेबली वडोदरा आ गए अब एफर्ट चालू हो जाएंगे फ्रॉम वडोदरा टू सूरत एंड सूरत टू वापी वापी के बाद में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा आफ्टर एंटरिंग महाराष्ट्र बॉर्डर मुंबई इज 436 बट हमारा डेस्टिनेशन इट इज 445 किलोमीटर्स 11:39 टाइम दिखा रहा है टू रीच दे एंड ये टाइम भी अभी इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मुंबई एंट्रेंस पे दे माइट बी हैवी ट्रैफिक इसलिए इतना है एल्स 445 किलोमीटर्स के लिए 9 hours 23 मिनट इज ह्यूज एंड स्पेशली जब आपका पूरा 4 lane और काफ़ी जगहों पे 6 lane भी है ऐसे हाईवे होने के बाद में भी सो चलो आपको अभी अभी हम कहीं पे आफ्टर क्रॉसिंग वडोदरा हम एक स्टॉप लेंगे एंड फिर उसके बाद में फ्यूल अप भी करवाएंगे एंड विल टेक अ प्रॉपर लंच वाला स्टॉप चलो आपको मिलते हैं आगे एंड आई कीप अपडेटिंग यू हम कहाँ पहुँचे हैं कितना टाइम लगा एंड फिर उसके बाद में नाइट में हम कितने बजे तक पहुँचते हैं सो फाइनली वी हैव रीच्ड भरूच सामने आपको नर्मदा जी का पुल देख रहा हूँ नीचे से नर्मदा जी जा रही हैं उस साइड वाला नया पुल ये पुराना पुल और अभी 358 किलोमीटर्स मोर टाइम बढ़ता जा रहा है जस्ट हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया था फॉर फ्यूल तब से हमने लिया नहीं है 340 इज द टाइम देखते हैं बहुत भूख लग रही है अब रुकना चाहिए बट जब कुछ ढंग का आ रहा है तो हम इतने स्पीड में हैं या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं ब्रेक मार के टर्न नहीं ले सकता
जगह तो नहीं है, बट यस गुजरात हाईवे पे आपको बहुत सारे अनलिमिटेड ट्रक्स मिलेंगे आपको। कोई कहीं पे कैसे चल रहा है, तीन लेन चल रहे हैं तो तीनों ऐसा लगता है कि ट्रक ड्राइवर्स अपना हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बराबर कॉन्स्टेंट स्पीड पे तीनों लेन पे चल रहा है जैसे आपको सामने दिख रहा हो। बट अभी तो चलो टोल है इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीन तीन ट्रक्स वाले साथ चल रहे हैं भाई साहब, मरते मरते स्पीड पे। अब थोड़ी सी थकान हो गई है, ऐसा लग रहा है कि आई नीड टू टेक अ प्रॉपर ब्रेक, एक अच्छा वाला ब्रेक, ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स वाला। ये क्या खड़ा है, ओडीसी एस्कॉर्ट। इन भाई साहब की वजह से डिस्टेंस इट इज 79 किलोमीटर्स और 79 किलोमीटर्स का इट इज शोइंग 2 hours 37 minutes। और रूट हमें डाइवर्ट करके दिखा रहा है थ्रू भिवंडी, बट जो कट आता है भिवंडी के लिए तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको आगे दिख सकता है सिर्फ एक लेन ही चालू है। बहुत ट्रैफिक है, बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक आपको दिख ही रहा है आगे का, बट कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही धीरे धीरे चलना पड़ेगा। आफ्टर सूरत में हमने एक ब्रेक लिया था एट मैकडॉनल्ड्स, उसके बाद में वी जस्ट हैड वेरी छोटू छोटू सा ब्रेक, जस्ट अ स्ट्रेचिंग ब्रेक। बाकी हम चल रहे हैं कंटिन्यूस, ट्रक ट्रैफिक इतने ज़्यादा हैं कि कुछ कर नहीं सकते। एंड गुजरात में तो बस पूछो ही मत, सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स एंड कोई साइड नहीं देता है। जैसे आपको चाहे कितना हॉर्न मार लो, कितना ही लाइट पास कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो हाथ पे हाथ मिला के साथ चलते हैं, सबका साथ सबका विश्वास वाली बात है। अभी बस ऐसे ही चल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है कंक्रीट रोड का, इस वजह से डेंस ट्रैफिक है यहाँ पे। कुछ है नहीं, अभी और 2 hours 40 minutes ऐसे ही ड्राइव करना पड़ेगा स्लोली स्लोली, देखते हैं। सो इस वीडियो को आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर ही एंड कर देते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं अब बताने को दिखाने को। ऑलरेडी करेंटली इट इज़ 10:30 टाइम बचा नहीं है, तो इसीलिए आई थिंक इसको बंद कर
चाहिए एंड हम लोग पहुँचते हैं। अब बस अब कहीं रुकने वाला हूँ नहीं मैं, अपना रुकने की कोई ऐसी जगह आने वाली है तो अगेन आई विल टेल यू टू सब्सक्राइब दी चैनल। आपको आगे कीप सपोर्टिंग, आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में ऐसे ही कहीं ट्रिप प्लान करके जाते हुए। अगला कहाँ का होने वाला है आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट जहाँ का भी होगा 100% व्लॉग ज़रूर बनेगा उसका। चलो तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑफ योर फैमिली। शुभ रात्रि। जय श्री राम।